एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, नए साल की शुरुआत में जिस तरह से पाकिस्तान और आतंकवादियों ने राजौरी में किलिंग्स की है, उसकी हर कोई जो है निंदा कर रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मूवासी, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या कहना चाहते हैं यार राजौरी की घटना को लेकर। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विवेक बाली है, मैं जेडीयू का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से राजौरी में किलिंग्स की गई हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से इसकी जितनी भी मजम्मत करनी हो वो कम है। आप जानते ही होंगे, कल देर रात में जो ये हादसा हुआ है, इतने लोगों की जाने गई हैं। कुछ देर पहले ही मुझे पता चला है एक आईडी ब्लास्ट हुई है, जिसमें कि एक छोटा जो बच्चा है उसने अपनी जान गंवा दी है और कुछ लेडीज़ हैं जो ज़ख्मी हुई हैं। तो देखिए, जिस तरह से आज पूरा राजौरी सदमे में है, उसी तरह से पूरा जम्मू कश्मीर भी सदमे में है। गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि आतंकवाद को उनकी भाषा में, पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब दिया जा सके? देखिए, गवर्नमेंट और बीजेपी हमेशा यही कह रही है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी आ गई है और ये नया जम्मू कश्मीर है। ये कैसा नया जम्मू कश्मीर है जिसमें टारगेट किलिंग हो रही है? जिस तरह से नए साल में जो है आतंकी हमला हुआ है, क्या संकेत देता है? देखिए, ये कहीं ना कहीं ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नए साल में ये सिक्योरिटी का बड़ा कंसर्न है, कि जो कह रहे हैं कि इतने हमने जो टारगेट किलिंग को रोका है। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बहुत देर बाद ये इंसिडेंट हुआ कि टारगेट करके, हमारी हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करके 5 लोग एक ही फैमिली के शहीद किए। हमें इससे इसका दुख तो है, लेकिन यह है कि पाकिस्तान जो है कॉन्टीन्यूस फ्रस्ट्रेट हो चुका है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जो ओवरऑल प्रोग्रेस देख के, और किस तरह से लोग जो हैं अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस का साथ दे रहे हैं, हाइडआउट्स बता रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान किसी भी फिराक में रहता है टू डिस्टेबलाइज द पीस हेयर इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड वी हैव फुल फेथ ऑन अवर पैरामिलिट्री फोर्सेज कि इंशाल्लाह ये कल्प्रिट्स पकड़े जाएंगे जल्दी से जल्दी, और इस फैमिली के साथ इंसाफ होगा, और हमें इसी तरह संयम बरत के रखना है और कॉम्युनल जो हारमोनी है उसको मेंटेन करके रखना है, ताकि पैरामिलिट्री जल्दी से जल्दी ऐसे नेगेटिव लोगों को अरेस्ट कर सके और दे शुड बी पुट बिहाइंड बार एज पर द लॉ। जो कल एक दहशतगर्द हमला हुआ राजौरी के अंदर, मासूम लोगों की जान ली गई, और मॉर्निंग में क्या हुआ, एक आईडी ब्लास्ट हुआ और उसमें बच्चे जो हैं वो भी शहीद हुए, टोटल 6 लोगों की, मासूम लोगों की जाने गई हैं, और ये उनका मंसूबा ये है कि जम्मू कश्मीर के अमन में जो है खलल डाला जाए और यहाँ के भाईचारे को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि राजौरी पूंछ जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और दुश्मन ये चाहता है कि यहाँ पर बॉर्डर के राजौरी पूंछ के लोगों के बीच में नफरत फैलाकर यहाँ का माहौल खराब करके यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जाए और लोगों के अंदर खौफ का माहौल पैदा किया जाए, क्योंकि खासकर एक तबके को उन्होंने टारगेट का जो है निशाना बनाया है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें फेलियर ऑफ एक इंटेलिजेंस भी है, तो गवर्नमेंट से हम यही मुतालबा करेंगे कि इमीडिएटली कम से कम इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें, इन्फिल्ट्रेशन कहां से हुई है और उन लोगों को जो है उनको सजाए मौत दी जाए। आज आपने देखा कि हमारी बार एसोसिएशन जम्मू, इस जो राजौरी का इंसिडेंट हुआ है जिसमें कई लोग, यानी कि अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 6 लोग अपनी जाने गवाह बैठे हैं, और उन लोगों की जाने जाने से हम ये जो इंसिडेंट हुआ है उसको कड़े अल्फाज की मजम्मत करते हैं, कंटेम्प्ट करते हैं, और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आए दिन ऐसे हालात जम्मू के अंदर किस तरह से रूनमा हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ जो किलिंग है, टारगेट किलिंग पार्टिकुलरली हम कहेंगे वो हो रही है, इसको बंद किया जाए, इसको रोका जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरी बार एसोसिएशन इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी, और हम आज सरकार से, हमें इस इंसिडेंट को हम कंडेम करते हैं और ऐसे हालात जम्मू कश्मीर में ना हो, अमन को बढ़ाया जाए और इस चीजों को रोका जाए, तभी आप लोग यहाँ पर पीसफुल यहाँ पर रह सकते हैं। पाकिस्तान की आतंकवादियों की तरफ से कल जो राजौरी में एक आतंकी घटना की गई है जिसमें हमारे बहुत से लोग मर गए हैं और बहुत से इंजर्ड हैं, और उसके बाद सुबह भी एक और आईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें 5 लोगों की और मृत्यु हो गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सीमा पे है, इतना बोलते बोलते कई बार हमारे ये जो पॉलिटिकल लीडर और जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कई लोगों को मरवा दिया है। हालांकि
जब से ये गवर्नमेंट आई है हमें लग रहा है कि आतंकी घटनाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं और लोग हमारे जो हैं वो इससे अधिक उनकी मृत्यु जो है वो हो रही है। आखिरकार ये जो मंजर, ये जो मौत का मंजर चल रहा है, इसके ऊपर कब अंकुश लगाया जाएगा? हालात ये बन चुके हैं कि लोग खौफ में वहाँ पे जी रहे हैं, कोई पता नहीं कि कब कोई आतंकवादी कहाँ पे आकर किसी घटना को अंजाम दे जाएगा, कोई टारगेट किलिंग कर जाएगा। आखिरकार इसका अंत कब होगा? हमारे लोग ये पूछना चाहते हैं। बड़े बड़े वादे लोगों के साथ जो किए जाते हैं, रोज टीवी पे बड़ी बड़ी डिबेट दी जाती हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर जो हैं बस एक ही बात कहते हैं, हमने श्रीनगर से आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो खत्म कर दी हैं, तो फिर ये आतंकवादी कहां से आ रहे हैं? निसंदेह आतंकवाद के गिराफ में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन बावजूद इसके आतंकी अपने होने का लगातार एहसास यहाँ पर करवा रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर घटनाएं घट रही है, कहीं ना कहीं जो है सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें तो उनको और मुस्तैदी लाने की आवश्यकता है। उनकी कहीं ना कहीं जो है चूक ज़रूर हुई है, हमारे प्रशासन को, हमारी गवर्नमेंट को भी जो है सख्त कदम उठाने की अति आवश्यकता है और आने वाले समय में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके उसके लिए आम जनता को भी सहयोग करने की अति आवश्यकता है। आम जनता को भी जो है पूरी निगरानी रखनी होगी संदिग्ध व्यक्तियों पर, संदिग्ध सामानों पर, ताकि ऐसी घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। राजौरी में जिस तरह से ये घटना हुई है इसकी हर कोई जो है कड़ी निंदा कर रहा है और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो हमारे प्रशासन को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।